नमस्कार, मैं समिट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एरोली नवी मुंबई से हूँ। मैं आपको सोगो मेक की एंडमिल रिशार्पनिंग मशीन किस तरह से यूज़ करते हैं ये आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसे चलाने के लिए किसी तरह की स्किल नहीं लगता। ये एक ईजी टू यूज़ मशीन है। इस मशीन में आप 2 फ्लोट, 3 फ्लोट, 4 फ्लोट, 6 फ्लोट के एंडमिल रिशार्पनिंग कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ बटन है, यहाँ डाया सेटिंग दी हुई है 4 mm से लेके 14 mm। यहाँ कॉलेट्स हैं, 6 नंबर कॉलेट्स हैं 4 डाया से लेके 14 डाया तक। यहाँ आपके डिग्री दी हुई है 0 से लेके 5 डिग्री तक, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये आपका पॉइंट एंगल है। यहाँ आप 2 फ्लोट, 3 फ्लोट, 4 फ्लोट, 6 फ्लोट के पॉइंट यहाँ ग्राइंडिंग कर सकते हैं। यहाँ 2 फ्लोट, 3 फ्लोट, 4 फ्लोट, 6 फ्लोट के प्राइमर रिलीफ एंगल आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ आप सेकेंड रिलीफ एंगल ओनली 2 फ्लोट के लिए आप यहां ग्राइंड कर सकते हैं। यहां सेकेंड रिलीफ एंगल 3 फ्लोट और 4 फ्लोट के यहां आपको ग्राइंड कर सकते हैं। ये व्हील है HSS एंड मिल के लिए CBN व्हील, कार्बाइड एंड मिल के लिए डायमंड व्हील आप यहां पे चेंज कर सकते हैं। आइए अब इसे देखते हैं किस तरह से यूज किया जाता है। ये 4 फ्लूट के एंड मिल है। 4 फ्लूट के लिए हम 4 साइड के कॉलेट होल्डर लिए, बारह एमएम के एंड मिल के लिए हमने बारह एमएम का कॉलेट ले लिया। इस कॉलेट को हम इस होल्डर में लॉक किए, अब इसे टाइट करेंगे। और यहाँ सीरियल नंबर से हम यहाँ इसे लॉक किए 1 नंबर पे। हमने यहाँ पे डाया सेट किया, ये एरो हमने 12 एमएम के लाइन से मैच कर दिया। एंडमिल को क्लॉकवाइज पुश करके पकड़ेंगे और होल्डर टाइट करेंगे। ये हमने यहां डाया हमने सेट कर लिया। मशीन ऑन करेंगे, यहाँ हम 1 नंबर से यहाँ पॉइंट एंगल करेंगे। इसे हमें सिर्फ पुश करना है, ये हमने पुश किया। एक नंबर हो गया, अब इसे 2 नंबर पे करेंगे। इसी तरह से नंबर वाइज हम इसे पुश करते जाएंगे। थर्ड साइड, फोर्थ साइड, यहां आपका पॉइंट एंगल हो गया। यहां हम प्राइमर रिलीफ एंगल यहां करेंगे। एक साइड हो गया, दो साइड हो गया,
फोर साइड कंप्लीट हो गई, ये आपका प्राइमर रिलीफ एंगल हुआ। अब हम सेकेंड रिलीफ एंगल यहां करेंगे, इसे सिर्फ पुश करना है वन साइड, सेकेंड, थर्ड, फोर साइड, और ये आपका एंड मिल रिशार्पनिंग हो गया। देखिए कितनी कम समय में कितना बेहतरीन एंड मिल आपका रिशार्पनिंग हो गया। धन्यवाद।